तो आइए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम जानेंगे एसएमपीएस का काम क्या होता है। ठीक है, एसएमपीएस का फुल फॉर्म जो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये भी एक तरह का पावर सप्लाई है, ठीक है, जो काम करेगा एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं एसएमपीएस में डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है, वायर का कलर है, आप देख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका डेस्कटॉप मदरबोर्ड कितने तरह के वोल्टेज पे काम करते हैं। तो कलर के बिहेव पे भी, अगर कलर कोडिंग भी आपको याद है तो उस कंडीशन में आपको पता होता है कि किस वायर से कितना वोल्टेज आउट होना चाहिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या है कि एसएमपीएस को हम क्या करेंगे, पावर ऑन करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि यहाँ से कितनी वोल्ट की सप्लाई आउट होती है मदरबोर्ड में। ठीक है जी, तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि किस वायर से कितनी वोल्टेज एग्जिट हो रही है, उसको देख लेते हैं। तो इसको पहले हम कनेक्ट करेंगे और मल्टीमीटर का रेंज कितने पे होना चाहिए, डीसी 20 वोल्ट पे होना चाहिए, जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है। और एक पिन को ग्राउंड लेना है आपको, ग्राउंड मैंने यहाँ पे दे दिया, आप देख सकते हैं। इसको मैं आराम से हटा देता हूँ, बोर्ड को भी हटा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, ये जो कनेक्टर है आप देखें कि ये जो कनेक्टर है इसमें जो ग्रीन वायर है आप देख सकते हैं, ये वायर जो है हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रीन और ब्लैक को आपस में टच करेंगे इसके ट्वीजर के सहायता से। ठीक है जी, जैसे मैं टच करूंगा, अगर एसएमपीएस हमारा ओके होगा तो उस कंडीशन में ये फैन चलने लगेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे चलने लगेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको शॉर्ट कर रहा हूँ ग्रीन और ब्लैक को, आप देखेंगे। ठीक है जी, और देखेंगे कि फैन हमारा रनिंग हो गया, दैट मीन्स हमारा एसएमपीएस 95% ओके है। कई बार क्या होता है, फैन आपका रनिंग होता है, चलता है, बट यहाँ से वोल्टेज लीकेज होता है, ड्रॉप होता है। उस वजह से क्या होता है, कंप्यूटर हमारा बार बार ये स्टार्ट होता है, ब्लू स्क्रीन होता है, या सेपरेट किसी टाइम पे जो है जाके बंद हो जाता है, या कोई हैवी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे तो रीस्टार्ट बार बार हो जाएगा। तो 100% आपको एसएमपीएस को कंफर्म करना है, तो वोल्टेज आप, आउटपुट वोल्टेज आप चेक कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये 24 पिन का डिस्क्रिप्शन है आप देखेंगे, और इसमें आपने देखना क्या है, पिन नंबर, स्टार्टिंग जो पिन है वो यहाँ से आप देखेंगे रोमन लेटर में लिखा हुआ है, 1 लाइन 2 लाइन एंड 3 लाइन। इसका मतलब ये है स्टार्टिंग पिन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है जी, तो अब मैं वोल्टेज को चेक करने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैंने मल्टीमीटर का एक प्रॉब ग्राउंड पे लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है, और मैं चेक करूँगा, फर्स्ट नंबर जो हमारा पिन आ रहा है आप देखेंगे, फर्स्ट नंबर हमारे जो पिन है वो पिन नंबर 1 ऑरेंज होता है, कलर आप देखेंगे तो ऑरेंज कलर का है। यहाँ पे आप देखेंगे 3.3 वोल्ट के समथिंग आता है, 3 वोल्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर सेकंड नंबर आप देखेंगे तो सेम कलर है, ये भी हमारा जो है 3.3 वोल्ट ऑरेंज। और थर्ड नंबर पिन जो है हमारा ब्लैक है, जो ग्राउंड होता है यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। ठीक है, और फोर्थ नंबर जो पिन होता है वो रेड होता है, आप देखेंगे रेड में 5 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए, ये रेड वायर है। ठीक है जी, और नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा ब्लैक है, जो ग्राउंड होता है 0 वोल्ट की सप्लाई होगी यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखेंगे रेड है, आप देखेंगे फिर से यहाँ पे रेड वायर है।
यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखेंगे ग्राउंड है, ब्लैक वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे रेड वायर, सॉरी इसको काउंट करेंगे। यहाँ पे एक बार देखेंगे आप, यहाँ कलर चेंज हो गया, या 8 नंबर पिन पे देखिए, ये आपको ग्रे मिल रहा है, ठीक है जी। इसको बोलते हैं पीजी, पीजी मींस पावर गुड। यहाँ पे हमें 5 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे जो है, आप देखेंगे यहाँ पे फिर से कलर चेंज हो गया, ये हमारा पर्पल है, ठीक है जी। इसको बोलते हैं स्टैंड बाई, ठीक है जी, स्टैंड बाई वोल्टेज। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे ये 12 वोल्ट, ठीक है, 10 नंबर पिन जो है, ये आप यहाँ पे देखेंगे येलो कलर बना हुआ है, ठीक है जी। तो इस पिन पे हमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। फिर नेक्स्ट देखेंगे सेम कलर है, सेम वोल्टेज है, येलो है, 12 वोल्ट बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, दैट मीन्स ये ऑरेंज है, इसकी कलर जो है ऑरेंज है, ठीक है। फिर से मैं एक बार आपको चेक करा रहा हूँ फ्रेंड, देखेंगे 1 नंबर पिन पे देखेंगे ऑरेंज होता है 3.3 वोल्ट, 2 नंबर पिन पे देखेंगे 3.3 वोल्ट, 3 नंबर पिन पे ब्लैक ग्राउंड 0 वोल्ट, 4 नंबर पिन पे रेड 5 वोल्ट, 5 नंबर पिन पे ब्लैक ग्राउंड 0 वोल्ट, 6 नंबर पिन पे आप देखेंगे रेड 5 वोल्ट, 7 नंबर पिन पे देखेंगे ब्लैक ग्राउंड 0 वोल्ट, 8 नंबर पिन पे देखेंगे आपका जो है ग्रे है, यहाँ पे पीजी होगा, ठीक है जी। एंड 9 नंबर पिन पे देखेंगे स्टैंड बाई होगा, एंड 10 नंबर पिन पे देखेंगे येलो 12, एंड 11 पे देखेंगे 11 नंबर पिन पे येलो 12 वोल्ट, एंड 12 नंबर पे देखेंगे ऑरेंज 3.3 वोल्ट। अब यहाँ से 1 नंबर यहाँ, 12 नंबर यहाँ पे होगा, तो 13 यहाँ से स्टार्ट आपने करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ऑरेंज 3.3 वोल्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे कलर का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखिए ये हमें ब्लू वायर मिल रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे -12 वोल्ट, 12 वोल्ट की सप्लाई हमें मिलेगी, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। और अभी मैंने इसको शॉर्ट कर रखा है, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट पिन जो हमारा होगा फिर जो है ब्लैक ग्राउंड 0 वोल्ट, और उसके बाद जो पिन आ रही है वो ग्रीन आ रही है, इसको भी मैं चेक करूंगा, अभी बता देता हूं। इसको पीएस ऑन बोलते हैं, नेक्स्ट जो पिन है हमारी पीएस ऑन, मतलब 13 14 15 16 नंबर पिन पे आपका पीएस ऑन हो, ठीक है। इस पे जो है 4.8 वोल्ट के समथिंग आपको मिलेगा, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट देखेंगे ब्लैक ग्राउंड 0 वोल्ट, फिर नेक्स्ट देखेंगे ब्लैक ग्राउंड 0 वोल्ट, दैट मीन्स ब्लैक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे ब्लैक ग्राउंड 0 वोल्ट, फिर यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पिन जो है हमारा ग्राउंड है, फिर यहाँ पे देखेंगे दैट मीन्स रेड 5 वोल्ट, यहाँ पे आप कलर देख सकते हैं रेड 5 वोल्ट है। फिर नेक्स्ट देखेंगे ये भी रेड 5 वोल्ट है, फिर नेक्स्ट 23 आप देखेंगे रेड 5 वोल्ट है, फिर नेक्स्ट देखेंगे ब्लैक 0 वोल्ट है, ठीक है फ्रेंड। तो एक बार आप कलर कॉम्बिनेशन को आप देखेंगे, आप खुद पता कर सकते हैं इसमें ऑरेंज है, ब्लू है, ग्रीन है, ग्रे है, पर्पल है, रेड है, येलो है, ठीक है जी। आप कलर कॉम्बिनेशन से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पिन से कितनी वोल्ट एग्जिट होनी चाहिए।
बेसिकली इसका यूज क्या होता है, मदरबोर्ड का जो ATX कनेक्टर होता है, जो मेन पावर का सॉकेट होता है, वहाँ पे ये लगता है। ठीक है जी, इसके बारे में तो हम जान गए। अब यहाँ पे देखेंगे SMPS में ये दो कनेक्टर हैं। ठीक है जी, ये हार्ड डिस्क में लगेगा या DVD राइटर में आप इसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप बैक में देखेंगे तो येलो, ब्लैक एंड रेड, दैट मीन्स यहाँ 12 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट। एक बार चेक कर लेते हैं इसे, तो आप देख सकते हैं येलो पे हमारा जो है 12 वोल्ट आ रहा है, और फिर नेक्स्ट का जो दो पिन है वो ब्लैक ग्राउंड 0 वोल्ट है दोनों पिन पे, और नेक्स्ट जो पिन है हमारा रेड 5। तो इस तरीके से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हार्ड डिस्क को काम करने के लिए भी 12 वोल्ट एंड 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, जो ID के लिए ये सॉकेट होता है। अब साटा के लिए आप देख सकते हैं, तो साटा में भी आप सेम कॉन्सेप्ट दिख रहा है, 12 वोल्ट ग्राउंड, 5 वोल्ट एंड ग्राउंड। इस पे भी चेक कर लेते हैं, साटा का कनेक्टर है ये, चेक करेंगे। आप देख सकते हैं येलो पे 12 वोल्ट आ रहा है, फिर आप देखेंगे ये ग्राउंड हो गया आपका ब्लैक, और ये इस पे देखेंगे रेड 5 वोल्ट, और ये आपका ग्राउंड। तो इसका यूज जो है हार्ड डिस्क, जो साटा हार्ड डिस्क होता है उसको कनेक्ट किया जाता है। आप देख लिए ID और साटा का कॉन्सेप्ट देख लिए, और फिर यहाँ पे देखिए एक वायर और बचता है यहाँ पे। तो आपके मदरबोर्ड में जो 4 पिन CPU कनेक्टर होता है, जो आपके CPU के पास में जो लगा होता है, उसमें ये कनेक्ट होता है। ठीक है जी, पहले ये तो मेन आपके बोर्ड का जो सॉकेट होता है वहाँ से कनेक्ट हो गया, ये हार्ड डिस्क के कनेक्शन के लिए चला गया, हार्ड डिस्क को पावर यहाँ से मिलेगा। ये कनेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि यह दो वायर जो है येलो है और दो ब्लैक है। ठीक है जी, तो इसमें हमें देखना है कितना वोल्टेज मिलता है। तो येलो पे हमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, एक बार चेक करेंगे इसमें, देख सकते हैं 12 वोल्ट एंड 12 वोल्ट। ठीक है जी, सो यहाँ भी हमें प्रॉपर वोल्टेज मिलता है। इस तरीके से आपने क्या करना है, SMPS अगर आपका बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, बार बार जो है, या कभी नो डिस्प्ले के कंडीशन में भी आता है, तो डेस्कटॉप मदरबोर्ड को आप जब भी रिपेयर करते हैं तो एक बार SMPS का आउटपुट वोल्टेज आप देख लीजिए कि आउटपुट वोल्टेज प्रॉपर आउट हो रहा है कि नहीं आउट हो रहा है। मान लीजिए 12 वोल्ट के बदले 10 वोल्ट आउट हो, 8 वोल्ट आउट हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कंप्यूटर आपका रीस्टार्ट हो जाएगा, बार बार रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हमें क्या करना है, अब ये हमें दो पिन को चेक करना है। अब आप देख सकते हैं SMPS का फैन अब रुक गया होगा। ठीक है, अभी के कंडीशन में क्या है, SMPS हमारा स्टार्ट नहीं है। अभी मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे जो PS ऑन की पिनें थी, आप देख सकते हैं 5 वोल्ट के समथिंग हमें मिल रहा है ऑफ कंडीशन में भी। ठीक है जी, यहाँ पे मिल रहा है, इस वोल्टेज का क्या यूज़ है तो हम समझते हैं। अगर मान लीजिए आपका SMPS डेड हो जाता है, ठीक है जी, SMPS डेड हो जाता है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इस SMPS में प्राइमरी एंड सेकेंडरी होता है, मतलब प्राइमरी वोल्टेज AC हो गया और सेकेंडरी वोल्टेज आपको DC हो गया। अब जैसे यहाँ पे मैंने केबल को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है जी, हमारा SMPS ऑन नहीं हो रहा है, बट यहाँ से हम कंफर्म हो जाएंगे कि इस SMPS के AC वाले सेक्शन में प्रॉब्लम है या DC वाले सेक्शन में प्रॉब्लम है। कैसे, आप क्या कीजिए, पावर केबल को कनेक्ट कर दीजिए और दो पिन पे यहाँ पे बिना SMPS को ऑन किए हुए अगर वोल्टेज मिल रहा है तो दैट मीन्स आपके DC वाले सेक्शन में प्रॉब्लम है। ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो प्रॉब्लम आपके AC वाले सेक्शन में होगा, मतलब यहाँ से 5 वोल्ट शो कर रहा है लेकिन SMPS आपका ऑन नहीं हो रहा है। चलिए एक बार देखते, पहले आप देखिए
इस वाले पिन पे आपने चेक करना है। हमारा SMPS अभी बंद है, हमने सिर्फ पावर को कनेक्ट किया है। आप देखेंगे जब मैं इसे चेक करूंगा तो हमें कितना मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए, ठीक है। एक इस पिन पे मिलनी चाहिए और एक आपकी इस वाले पिन पे मिलना चाहिए जो पर्पल है, स्टैंड बाई, ठीक ठीक है अपने। तो आप देख सकते हैं एक पर्पल और दूसरा ग्रीन वायर पे ही हमारा 2 वोल्टेज मिल रहा है। बाकी अगर आप चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे ये ऑरेंज है, तो अभी हमारा SMPS ऑन नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से कोई भी वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है जी। सिर्फ ऑफ कंडीशन में जैसे आपने पावर कोड को लगा दिया तो ये 2 वोल्टेज अगर आपको मिल रहा है फिर भी आपका SMPS ऑन नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स आपके DC वाले सेक्शन में प्रॉब्लम होगा SMPS में, ठीक है जी। तो हम लोग SMPS को भी रिपेयर करना बताते हैं, SMPS को कैसे रिपेयर किया जाएगा, चिप लेवल के बेस पे क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, SMPS को, पावर सप्लाई को कैसे रिपेयर किया जाएगा, क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें होते हैं, कौन कौन सी सप्लाई कहाँ से बनती है, वो सारा का सारा जो है जब आप फुल कोर्स ज्वाइन करते हैं उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पे आप कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।